इस समय सर्दियों का सीजन आया है। आपने नोटिस किया होगा हर किसी के घर में बुखार, खांसी, जुखाम, गला खराब बहुत सा चल रहा है। और तो और बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनको आधे सिर में दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है और सालों से उनको चलती है, हर सर्दी में चलती है। आज उसके लिए एक बढ़िया सी रेसिपी लाई हूँ जो खाने में तो स्वादिष्ट लगेगी लेकिन उसे आप पी भी सकते हो, आप उसे बनाएंगे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत बढ़िया रेसिपी है, नानी दादी लोग पुराने जमाने में यही सब करती थी। इस नुस्खे को कभी बनाया है हाँ या ना मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ये माइग्रेन के दर्द के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके लिए पहला इंग्रेडिएंट मुझे चाहिए नारियल, जिसे आप गोला कहते हो, सूखा गोला भी कहते हो, ड्राई कोकोनट भी कहते हो, पर पूरा साबुत चाहिए, टूटा हुआ नहीं चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखें। और चाहिए कैसा, जो हमें इस तरीके से मतलब स्टैंड करना है, ये देखिए मैं मूव कर रही हूँ तब भी वो लुढ़क नहीं रहा है, और ये जो है ना ये लुढ़क रहा है, आपको ऐसा ही नारियल लेना पड़ेगा जो ये ऐसे हम हिलाएं डुलाएं, ज़्यादा हिले डुले नहीं, मतलब खड़ा रह सके। और अगर आपको ऐसा मिल भी जाए तो इसके लिए मैं फिर आपको एक ट्रिक दे दूंगी, इससे भी आप काम चला सकते। और क्या मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मुझे चाहिए खसखस। अब इसको हम खोलेंगे, कितनी खसखस आ जाती है वो मैं सारा आपको बताऊंगी। खसखस पोपी सीड्स, बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, बहुत बारीक, और जितने छोटे होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं। तीसरी चीज़ ले रही हूँ मैं बादाम। बादाम आप ये छोटी ले सकते हैं, मामरा ले सकते हैं, ये चॉइस आपकी है। उसके बाद लिया है मैंने ड्राई डेट्स, जिसे छुआरा कहते हैं, इसे मैंने कट कर लिया है अंदर से सीड्स निकाल के। बस यही चीज़ें चाहिए फिलहाल, और हम कैसे करने जा रहे हैं वो देख। अब यहाँ पर पहला काम आपको क्या करना है, थोड़ा मोटे तले का बर्तन लेना है। इस टाइप की हांडी वगैरह नहीं हो तो कोई बात नहीं, कढ़ाई मत यूज़ कीजिए, पतला पतीला मत यूज़ कीजिए, आप कुकर ले सकते हैं क्योंकि कुकर का तला जो होता है थोड़ा मोटा होता है। पहला काम जो हमें करना है, 2-3 चम्मच हमें पानी डालना है। मेरे पास है गाय का दूध, आप ले सकते हैं बफेलो मिल्क, जो भी आपके यहाँ आता है, पर गाय का दूध बहुत ज़्यादा इन रेमेडी में काम आता है। तो मैंने गाय का दूध सुबह ही आ गया था, मैंने उबाल लिया था, आप रख सकते थे फ्रिज में पर मैंने गलती से उबाल लिया है, तो मैं उबला हुआ ही दूध इसके अंदर डाल रही हूँ। आपको ये पूछने वाली हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, अगर नए आयो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब ये धीरे धीरे उबले तब तक मैं यहाँ कुछ काम करने वाली हूँ। अब हमें क्या करना है, जैसे ये गोला है इसे हमें कट करना है, और कोई ऐसे गोल या चौकोर कट कर सकते हैं लेकिन ऐसे कीजिए जैसे इसकी कैप बन जाए, मतलब बाद में हमें यूज़ हो जाए। ये देखिए मैंने इसकी कैप निकाल दी है, इस कैप को हमें रखना है और हमें चेक ज़रूर करना है कि अंदर से कोई फंगस तो नहीं है या अंदर से बहुत ज़्यादा काला या ख़राब तो नहीं है, इसे आप ज़रूर चेक कर लीजिए। अब इसमें हमें डालना है सबसे पहले पॉपी सीड्स, जो खसखस है 2-3 चम्मच हम डाल देते हैं टेबल स्पून भर के। यहाँ मैंने टेबल स्पून से डाला 1 टेबल स्पून। अब मैं यहाँ पर टीस्पून डाल रही हूँ, 3 टीस्पून, मतलब 2 टेबल स्पून खसखस डल चुका है, और 20 करीब बादाम डाली हैं। मैं फिर से डाल रही हूँ ये खसखस, टोटल 3 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है खसखस। अब इसमें डाल देते हैं हम छुआरे, करीब पतली पतली पीसेस हैं तो 4-5 छुआरे जरूर डालिए। टोटल 4 टेबलस्पून खसखस चला गया है, क्योंकि इसके दाने छोटे होते हैं तो अच्छे से चले जाते हैं, बाकी ये बादाम और ये छुआरा थोड़ा कम जा पाता है। तो हमें क्या करना होगा, इसको इसी तरीके से हमें कैप इसकी लगानी होगी, इसी तरीके से, ओवर ना भरे वरना दिक्कत आ सकती है। ये कटोरी है छोटी, अगर आपका नारियल ये गोला अगर गिर रहा है या लुढ़क रहा है तो नीचे दूध में आप ये कटोरी रखकर इस गोले को रख सकते हैं, जिससे वो लुढ़केगा नहीं। अब यहाँ देखिए, छोटी सी ट्रिक है लेकिन बड़े काम की है। दूध उबल चुका है, अब जिस पतीले में हमने दूध पूरा डाला था थोड़ा दूध हम निकाल लेंगे। ऐसा क्यों कर रही हूँ ये बाद में बताऊँगी। करीब मैंने आधे से कम दूध निकाल लिया है, आधे से ज़्यादा दूध इसके अंदर है। अब ये जो नारियल है गोला है उसे मैं इस तरीके से दूध के अंदर रख रही हूँ। आपने देखा ये दूध इसके अंदर है, और इतना है कि नारियल जो है डूबेगा नहीं, इसके अंदर जो है दूध जाएगा नहीं। बस इस तरीके से स्लो गैस कर दीजिए, आप चाहें तो
आधा ढक भी सकते हैं। ये थोड़ा टाइम टेकर है, लेकिन रेमेडी बनकर बहुत बढ़िया हो जाएगी। आपको यदि रेसिपी पसंद आए तो नेक्स्ट टाइम जब बनाओगे सेकेंड टाइम, तब आप क्या कीजिए, थोड़े बड़े बर्तन में बनाइए और 2 से 3 नारियल एक साथ रख लीजिए, जिससे ये रेमेडी काफ़ी सारी बनकर तैयार हो जाएगी। 15-20 मिनट बाद हमें लगेगा कि दूध थोड़ा कम हो गया है, तब हम ये धीरे धीरे दूध डालते जाएंगे साइडों से नारियल के ऊपर में। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि इतनी ज़्यादा फ्लेम ना हो कि इसके ऊपर दूध आ जाए, तो स्लो हो। आप अपने गैस के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पे बबल्स उठ रहे हैं, दूध उबल रहा है, खोल रहा है, बस इतना ही चाहिए, उसके अंदर हीट मिलती रहेगी। आपको कवर भी करना है इनकेस, तो आधा कवर कीजिए, फुल कवर मत कीजिए। और 15 से 20 मिनट बाद हम मिलते हैं। जो दूध है काफ़ी गाढ़ा मलाईदार हो गया है। अब हमें धीरे से इस नारियल को, इस गोले को निकाल कर अलग रखना है, इसे ठंडा करना है। अब देखिए दूध बहुत गाढ़ा हो गया है, बिल्कुल मलाई वाला, तो अब इसको वेस्ट नहीं करना है। आपको करना क्या है, इसमें चीनी डाल दीजिए और बस एक बार गर्म कर लीजिए, इसकी कुल्फी बना लीजिए या खीर बना लीजिए। पर ये इतना गाढ़ा हो चुका है तो कुल्फी ज़्यादा अच्छी बनेगी खीर से भी, तो इसे तो हम यूज़ कर लेंगे। लेकिन अब बारी आती है कि अब हम आगे इसकी दवाई कैसे बनाएं। इसे हमने पूरी तरीके से ठंडा कर दिया है, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से गर्म है, 1 घंटे बाद भी, मतलब इसमें अच्छे से स्टीम लग गई है। ये बादाम आप देखेंगे तो अच्छे से फूल गए हैं, स्टीम देनी थी, गर्माई देनी थी, वो सारा काम हो चुका है। अब नारियल के छोटे छोटे टुकड़े करके आप ग्राइंड कर सकते हो या इसे ग्रेट कर सकते हो, ये च्वाइस आपकी है। इसमें जो सारी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, एक से बढ़कर एक हैं, सबके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी हैं। जो भी अंडर वेट होते हैं उनके लिए भी बहुत बेस्ट है, तो ऐसी चीज़ें हमें सर्दियों में खानी चाहिए। और बच्चों के लिए भी बहुत बेस्ट है, अगर बच्चों को सर में दर्द होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उनके लिए भी ये छोटी सी मेडिसिन समझिए, DIY समझिए, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा इसे खाने में भी, और उसके बाद उनको जो आराम मिलेगा वो बहुत बड़ी बात है। मिक्सी में डालते टाइम हमें इलायची तो डालनी ही चाहिए, लेकिन काली मिर्च डालना बहुत ज़रूरी है, करीब करीब 2 टेबलस्पून डालिए। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च हैं, जो दखनी मिर्च होती हैं, वो डाल सकते हो, अगर वो नहीं है तो काली मिर्च भी डाल सकते हो, मेरे पास दोनों हैं, तो मैंने 1 टेबलस्पून काली मिर्च डाली है, 1 टेबलस्पून सफ़ेद मिर्च डाली है। ये देखिए कितना बढ़िया ये पिस चुका है, स्वादिष्ट तो बहुत ज़्यादा होगा। एक और बात, अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसके लिए आप बना रहे हो, तब यहाँ पर बस मिर्ची डालिए और हो गया काम। लेकिन थोड़ा और मीठा पसंद है तो आप इसमें मिश्री कूट के डालेंगे, 100-125 ग्राम मिश्री, नॉर्मल मिश्री नहीं, जो धागे वाली मिश्री होती है वही आपको डालनी है, वही इस रेमेडी के लिए फ़ायदेमंद है। अब ये बन गई परफेक्ट नानी दादी वाली रेमेडी। आपको क्या करना है, नॉर्मल 2 चम्मच लेना है रात को सोने से पहले, और इसको लेने के बाद, मतलब आप दूध में डालकर ले सकते हैं या यूं ही खाकर ऊपर गरम गरम दूध ले सकते हैं, बहुत फ़ायदा होगा, अमेजिंग फ़ायदा होगा, एक बार करके जरूर देखिए। हमें कई ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, आप जाइए दवाई भी ले लीजिए, मतलब डॉक्टर से तो जो फ़ायदा हो ही रहा है, इस नुस्खे को आप अपनाइए और यूज़ कीजिए, मुझे पता है आपको बेहद पसंद आने वाला है।